स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 20 संधि, जिसका आज इसमें हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पार्ट 1 में हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था, तो आइए आज इसके पार्ट 2 में गुड़ संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो जिन आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, इस वीडियो के अंत तक आपको गुड़ संधि के बारे में संपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। आइए हम गुड़ संधि के बारे में पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो गुड़ संधि यदि अ अथवा आ के पश्चात, यानी यदि ह्रस्व अ है उसके बाद आ आ जाए, यानी अ हो या फिर आ हो, शुरुआत में अ हो या फिर आ हो, इसके बाद यदि ई अथवा ई आ जाए, यानी अ और आ के बाद यदि छोटी ई या फिर बड़ी ई आ जाए, तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। अर्थात अगर छोटा अ है या ई आ जाए, फिर बड़ा आ है तो बड़ी ई आ जाए, या फिर छोटा आ है बड़ी ई हो गई, या बड़ा आ है छोटी ई आ जाए, तो इस तरह से इन सभी परिस्थितियों में जो है ये दोनों शब्द क्रमशः मिलकर ए बन जाते हैं। आगे इसको एग्जांपल में हम समझेंगे। फिर इसमें निष्ठ है, निष्ठ नियम जो है, यदि अ अथवा आ के बाद उ अथवा बड़ा उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। यानी यदि अ है या फिर आ, ये स्वर पहले आते हैं, उसके पश्चात यदि छोटा उ या फिर बड़ा उ आ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये दोनों जो स्वर मिलकर के ओ बन जाते हैं। अब निष्ठ नियम इसमें है, यदि अ अथवा आ के पश्चात री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। यानी यदि पहले स्वर में अ या फिर आ हो, उसके पश्चात वाले स्वर में अगर री आ जाए, तो ऐसी अवस्था में ये दोनों स्वर मिलकर के अर हो जाते हैं। तो ये इसके तीन नियम हैं गुड़ संधि के, जिसको हम इधर इसके एग्जांपल में पढ़ लेते हैं। पहला नियम है अ प्लस ई, तो इस तरह से ह्रस्व अ और ह्रस्व ई मिलकर के ए बन जाते हैं। एग्जाम्पल है इसमें स्वेच्छा, नरेंद्र, सुभेक्षा, गजेंद्र। तो इसमें स्वेच्छा शब्द में हम विक्षेद करके देखते हैं, तो हमको शब्द मिलता है स्व प्लस इच्छा। तो आप देख सकते हैं स्व प्लस इच्छा में, स्व में व में छोटा अ है, प्लस इच्छा में ई है, तो अ प्लस ई मिलकर के ए हो गया, यानी यहाँ पे गुड़ हो गया, तो शब्द हो गया स्वेच्छा। निष्ठ शब्द है नरेंद्र, इसका विक्षेद करने पर हमको शब्द प्राप्त हुआ नर प्लस इंद्र। तो नर में र में अ है, प्लस इंद्र में ई, इस तरह से अ और ई ये दोनों स्वर मिलकर के गुण हो गए, तो यहाँ पे ए हो गया, तो शब्द हो गया नरेंद्र। निष्ठ सुभेक्षा, सुभेक्षा का विक्षेद करने पर हमको शब्द प्राप्त हुआ शुभ प्लस इच्छा। तो शुभ में भा में अ है, प्लस इच्छा में ई, इस तरह से अ और ई ये दोनों स्वर मिलकर क्रमशः गुण हो गए, तो ए हो गया और शब्द बना सुभेक्षा। निष्ठ है गजेंद्र, गजेंद्र शब्द का हमने विक्षेद किया था, हमको शब्द प्राप्त हुए गज प्लस इंद्र। तो गज के ज में अ है, प्लस इंद्र में ई, इस तरह से अ और ई ये दोनों मिलके गुण हो गए और ए हो बन गया यहाँ पे। तो एग्जाम्पल शब्द हो गए हमारे पास गजेंद्र। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में है अ प्लस बड़ी ई, यानी जो इधर वाले जो पहले शब्द है इसमें छोटा अ होगा और प्लस के बाद वाले शब्द की शुरुआत में ही बड़ी ई होगी, तो इस तरह से छोटा अ और बड़ी ई मिलकर के गुण हो जाएगा, तो शब्द यहाँ पे स्वर हो जाएंगे ए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है गणेश, परमेश्वर, देवेश, नरेश। तो गणेश शब्द का हमने विक्षेद किया, तो हमको शब्द प्राप्त हुआ गण प्लस इश। तो गण में ड में अ है, प्लस इश में बड़ी ई, इस तरह से अ प्लस बड़ी ई ये दोनों जो स्वर मिलकर के गुण हो गए, यानी ए बन गया, तो शब्द हो गया गणेश। निष्ठ है परमेश्वर, परमेश्वर का विक्षेद करने पर हमको शब्द प्राप्त हुए परम प्लस ईश्वर। तो परम के म में अ है, ईश्वर में बड़ी ई, इस तरह से अ प्लस बड़ी ई ये दोनों स्वर मिलके गुण बन गए, यानी ए हो गया, तो शब्द हो गया परमेश्वर। निष्ठ है देवेश, देवेश का विक्षेद करने पर शब्द प्राप्त हुए देव प्लस इस। तो देव के व में छोटा अ है, प्लस इश में बड़ी ई, इस तरह से अ प्लस ई बड़ी ई जो मिलकर के शब्द हो गए देवेश, यानी अ और ई ये स्वर मिलके गुण हो गए, ए बन गया, तो शब्द हुआ देवेश। नेक्स्ट है नरेश, नरेश का विक्षेद करने पर हमको शब्द प्राप्त हुआ नर प्लस इस। नर के र में छोटा अ है और इश में बड़ी ई, इस तरह से अ प्लस बड़ी ई, तो ये दोनों मिलके गुण हो गया, तो यहाँ पे ए बन गया, शब्द हुआ नरेश। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमको देखने को मिलेगा पहले वाले शब्द में बड़ा आ और छोटी दूसरे शब्द में छोटी ई, इस तरह से ये दोनों मिलके गुण हो जाएगा, तो यहाँ पे आ प्लस ई से ए हो जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल है यथेष्ट, महेंद्र, राजेंद्र, रमेंद्र।
तो यथिष्ट शब्द का हमने संधि विच्छेद किया तो शब्द प्राप्त हुआ यथा प्लस इष्ट, यानी पहले वाले शब्द में आ है यानी थ पे आ की मात्रा इसके अंत में है और दूसरे वाले शब्द की शुरुआत में ई है यानी आ प्लस ई, ये दोनों मिलके गुण हो गया यानी ए बन गया, शब्द हुआ यथेष्ट। निष्ठ महेंद्र इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र, तो महा में ह पे आ की मात्रा यानी आ है दीर्घ है और इंद्र में ई यानी हरस्व ई है, इस तरह से आ प्लस ई मिलकर के ए हो जाएगा, इसका गुण बन जाएगा तो ये ए हो जाएगा तो शब्द होगा महेंद्र। निष्ठ है राजेंद्र, राजेंद्र का विक्षेद करने पर शब्द प्राप्त हुए राजा प्लस इंद्र, तो राजा में आ की मात्रा जो पे इंद्र में ई, इस तरह से आ प्लस ई मिलकर के गुण हो गया, शब्द हुआ राजेंद्र। निष्ठ रमेंद्र, रमेंद्र का विक्षेद करने पर शब्द प्राप्त हुआ रमा प्लस इंद्र, तो इसपे म पे आ है और इंद्र में छोटी ई, इस तरह से आ प्लस ई ये दोनों मिलके गुण हो गया तो ए की मात्रा बनी, शब्द हुआ रमेंद्र। नेक्स्ट एग्जांपल में बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए, यानी पहले वाले शब्द में के अंत में हमको बड़ा आ मिलेगा और दूसरे शब्द के शुरुआत में ही बड़ी ई मिलेगी, तो ये दोनों मिलकर के गुण के गुण संधि के हिसाब से यहाँ पे ए बन जाएंगे। तो एग्जाम्पल है लंकेश्वर महेश राकेश महेश्वर, तो लंकेश्वर शब्द का हमने विक्षेद किया तो शब्द बने लंका प्लस ईश्वर, तो लंका में क पे आ की मात्रा ईश्वर में बड़ी ई यानी यहाँ पे आ प्लस ई मिलके ए हो गया, शब्द हुआ लंकेश्वर। और महेश में महा प्लस इस ये शब्द प्राप्त हुए विक्षेद करने के बाद, तो महा में बड़ा आ और इश में बड़ी ई, इस तरह से ये दोनों जो है स्वर मिलके गुण बन गए यानी ए हो गया, शब्द हुआ महेश। राकेश का विक्षेद करने पर राका प्लस इस ये शब्द हमको प्राप्त हुए, तो राका में क पे बड़ा आ और इश में बड़ी ई, इस तरह से बड़ा आ और बड़ी ई ये दोनों मिलके गुण हो गए यानी यहाँ पे ए बन गया, तो शब्द हुआ राकेश। महेश्वर महा प्लस ईश्वर संधि विक्षेद करने पे ये शब्द प्राप्त हुए, तो महा में बड़ा आ और ईश्वर में बड़ी ई, इस तरह से बड़ा आ प्लस बड़ी ई ये दोनों मिलके ए हो गया यानी यहाँ पे गुण हो गया, तो शब्द हो गया महेश्वर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ प्लस ऊ, यानी अब तक तो हमने जो है हरस्व अ या फिर दीर्घ आ के साथ जो है हरस्व ई या फिर दीर्घ बड़ी ई को मिलाया तो शब्द हमको दूसरा स्वर प्राप्त हुआ ए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम जो है हरस्व या दीर्घ अ या आ के साथ हरस्व या दीर्घ ऊ या फिर बड़ा ऊ मिलाएंगे तो हमको स्वर प्राप्त होगा ओ। तो इस तरह से पहला एग्जाम्पल है अ प्लस ऊ, यानी पहले शब्द के अंत में हमको हरस्व अ यानी छोटा आ मिलेगा और दूसरे शब्द के शुरुआत में हमको हरस्व ऊ यानी छोटा ऊ मिलेगा, तो ये दोनों स्वर मिलके ओ बन जाएंगे। तो एग्जाम्पल है सूर्योदय परोपकार वार्षिकोत्सव भाग्योदय, तो सूर्योदय शब्द का विक्षेद करने पर शब्द प्राप्त हुए सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य के य में छोटा आ प्लस उदय में छोटा ऊ, इस तरह से आ प्लस ऊ मिलकर के ओ हो गया, इसका गुण बन गया तो शब्द बना सूर्योदय। निष्ठ है परोपकार, इसका विक्षित करने पर प्लस उपकार शब्द बने, तो पर के राम में छोटा आ प्लस उपकार में छोटा ऊ, तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलके ओ हो गया, शब्द हो गया परोपकार। निष्ठ है वार्षिकोत्सव का, संधि विक्षित करने पर शब्द प्राप्त हुए वार्षिक प्लस उत्सव, तो वार्षिक के क में छोटा आ उत्सव में छोटा ऊ, इस तरह से छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर के ओ हो गया, इसका गुण हो गया, शब्द बना वार्षिकोत्सव। निष्ठ है भाग्योदय, भाग्योदय का विक्षित करने पर शब्द प्राप्त हुए भाग्य प्लस उदय, भाग्य के य में छोटा आ है प्लस उदय में छोटा ऊ, तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलके ओ हो गया, शब्द हो गया भाग्योदय। अब निष्ठ है नियम अ प्लस बड़ा ऊ, ये भी ओ बन जाएगा, यानी हरस्व अ जो है शब्द के पहले शब्द के अंत में मिलेगा और बड़ा ऊ दूसरे शब्द के शुरुआत में ही मिलेगा, तो ये दोनों स्वर मिलके ओ बन जाएंगे। तो इसमें एग्जाम्पल है नवोर्मी सूर्योर्जा जलोर्मी सागरोर्मी, तो नवोर्मी शब्द को हमने विक्षेद किया तो शब्द मिले नव प्लस उर्मी, तो नव के व में छोटा आ है उर्मी में बड़ा ऊ, इस तरह से छोटा आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के ओ बना, शब्द हुआ नवोर्मी। सूर्योर्जा का विक्षेद करने पर शब्द प्राप्त हुए सूर्य प्लस ऊर्जा, तो सूर्य के य में छोटा आ है ऊर्जा में बड़ा ऊ, इस तरह से अ प्लस बड़ा ऊ मिलके ओ हो गया गुण संधि से, तो शब्द बना सूर्योर्जा। निष्ठ जलोर्मी, जलोर्मी का हमने विक्षेद किया तो शब्द प्राप्त हुए जल प्लस उर्मी,
तो जल प्लस उर्मी के में ल में जो है छोटा आ है, प्लस उर्मी में बड़ा उ, इस तरह से अ प्लस बड़ा उ शब्द हो गया जलोर्मी यानी ओ बन गया यहाँ पे। निष्ठ सागरोर्मी, सागरोर्मी शब्द का हमने विक्षेद किया तो हमको शब्द प्राप्त हुए सागर प्लस उर्मी, तो सागर के र में छोटा आ है प्लस उर्मी में बड़ा उ है, तो यहाँ पे छोटा अ प्लस बड़ा उ मिलके शब्द हो गए सागरोर्मी यानी यहाँ पे ओ बन गया, गुड़ हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमको पहले शब्द के अंत में आ मिलेगा और दूसरे शब्द के शुरुआत में छोटा ओ मिलेगा, तो ये दोनों स्वर आपस में मिलके ओ हो जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है महोदय यथोचित, तो महोदय शब्द का विच्छेद करने पर हमको शब्द प्राप्त हुए महा प्लस उदय, इसमें महा में बड़ा आ है और उदय में छोटा ऊ, तो यहाँ पे आ प्लस ऊ मिलके ओ हो गया गुण संधि से, तो शब्द हो गया महोदय। निष्ठ यथोचित, यथोचित का विक्षेद करने पर शब्द प्राप्त हुए यथा प्लस उचित, तो यथा में थ पे आ की मात्रा है और उचित में छोटा ऊ, इस तरह से आ प्लस छोटा ऊ मिलके ओ हो गया, तो शब्द हो गया यथोचित। अब निष्ठ है गंगोदक महोदक महोत्सव, तो गंगोदक का विक्षेद करने पर शब्द प्राप्त हुआ गंगा प्लस उदक, तो यहाँ पे गंगा में ग पे आ की मात्रा है, उदक में छोटा उ, इससे आ प्लस छोटा उ मिलके ओ बन गया, शब्द हुआ गंगोदक। निष्ठ है महोत्सव, इसका विक्षेद करने पर शब्द प्राप्त हुआ महा प्लस उत्सव, तो महा में हा पे आ की मात्रा है और उत्सव में छोटा उ, इससे बड़ा आ प्लस छोटा उ मिलके ओ हो जाएगा गुण संधि से, शब्द होगा महोत्सव। अब निष्ठ जो नियम है उसमें बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ, यानी पहले शब्द के अंत में हमको बड़ा आ मिलेगा और दूसरा शब्द के शुरुआत में बड़ा ऊ मिलेगा, इस तरह से बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा गुड़ संधि से, तो ये स्वर मिलेगा हमको। इसमें एग्जांपल है दयोर्मी गंगोर्मी महोर्जा दिवोष्मा, तो इसमें दयोर्मी शब्द का विच्छेद करने पर शब्द प्राप्त होगा दया प्लस उर्मी, यानी दया में य पे बड़ा की मात्रा, उर्मी में छो बड़ा उ की, बड़ा उ है, तो यहाँ पे बड़ा आ प्लस बड़ा उ मिलके गुण हो जाएगा यानी ओ हो जाएगा, तो शब्द होगा दयोर्मी। गंगोर्मी का विक्षेद करने पर शब्द प्राप्त होंगे गंगा प्लस उर्मी, तो गंगा में ग पे बड़ा आ और उर्मी में जो है बड़ा ऊ, तो बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ मिलके शब्द हो गया गंगोर्मी। महोर्जा, महोर्जा में महा पे महा प्लस ऊर्जा, ये दो शब्द मिलेंगे हमको विक्षेद करने पर, तो महा में हा पे बड़ा आ और ऊर्जा में बड़ा ऊ, तो बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलके यहाँ पे ओ बन गया गुण संधि से, शब्द होगा महोर्जा। निष्ठ है दिवोष्मा, विक्षेद करेंगे शब्द प्राप्त होंगे दिवा प्लस उष्मा, दिवा में व पे जो है आ की मात्रा, उष्मा में बड़ा ऊ, इस तरह से बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ मिलके ओ हो जाएगा गुण संधि से, शब्द होगा दिवोष्मा। अब निष्ठ नियम के हिसाब से अ प्लस री बराबर अर, यानी पहले शब्द के अंत में छोटा आ मिलेगा और दूसरे शब्द के शुरुआत में री मिलेगा, तो अ और री ये दोनों स्वर मिलकर के जो है जो अर हो जाएगा, तो इसमें जो एग्जांपल है देवर्षि सप्तर्षि, तो देवर्षि शब्द का संधि विक्षेद करने पर हमको शब्द मिलेगा देव प्लस ऋषि, तो देवर्षि में देव में व पे छोटा आ है, व में छोटा आ है प्लस ऋषि में री, इस तरह से अ और री मिलके हो जाएगा अर यानी देवर्षि। निष्ठ सप्तर्षि, सप्तर्षि को विक्षेद करने पर सप्त प्लस ऋषि ये शब्द प्राप्त होंगे, सप्त के त में छोटा अ और ऋषि में री, तो यहाँ पे त का अ और री का री में जो है री मिला के हो जाएगा अर यानी शब्द होगा सप्तर्षि। निष्ठ नियम है आ प्लस री बराबर अर, यानी पहले शब्द के अंत में आ होगा और दूसरे शब्द के शुरुआत में री होगा, इस तरह से आ प्लस री मिलके अर होगा। तो एग्जाम्पल है महर्षि ब्रह्मर्षि, तो महर्षि ब्रह्मर्षि में शब्द मिलेंगे हमको विच्छेद करने पर महा प्लस ऋषि, तो महा में हा पे आ की मात्रा, ऋषि में री, तो आ और री मिलके अर हो गया, शब्द बना महर्षि। ब्रह्मर्षि में ब्रह्मा प्लस ऋषि ये विच्छेद करने पर शब्द प्राप्त होंगे, ब्रह्मा में म पे जो है आ की मात्रा और ऋषि में री, तो आ और री मिलके अर हो गया, शब्द बना ब्रह्मर्षि। अब इसी को हम जो है आगे और समझेंगे, तो यहाँ पे जो मैंने रूल के हिसाब से इसको समझाने की कोशिश की है आपको, जैसे अ प्लस ई और छोटा अ प्लस बड़ा ई, बड़ा आ प्लस छोटी ई और बड़ा आ प्लस बड़ी ई, ये सभी स्वर मिलके क्रमशः ए ही बनेंगे। जैसे एग्जांपल है नरेंद्र, तो नरेंद्र में विक्षेद करने पर नर प्लस इंद्र बनेगा, तो नर में राम में छोटा आ और इंद्र में छोटी ई, ये दोनों मिलके गुण के हिसाब से ए बन जाएगा, तो यहाँ पे शब्द होगा नरेंद्र। दूसरा है अ प्लस
बड़ी ई, यानी पहले शब्द में जो है छोटा अ रहेगा और दूसरे शब्द के शुरुआत में, यानी पहले शब्द के अंत में छोटा अ, दूसरे शब्द के शुरुआत में बड़ी ई, यानी शब्द है गणेश, तो विच्छेद करने पर गण प्लस इस शब्द हमको मिला, तो गण में ड में छोटा आ है और इस में बड़ी ई, तो ये दोनों मिलकर गुण संधि के हिसाब से ए हो जाएगा, तो शब्द होगा गणेश। अब नेक्स्ट है आ प्लस छोटी ई बराबर ए, यानी यथेष्ट शब्द को हमने विक्षेप किया तो यथा प्लस इष्ट हमको शब्द मिला, तो यथा में था पे बड़ा आ है और इष्ट में छोटी, इस तरह से आ प्लस ई मिलके ए हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल में आ प्लस बड़ी ई, यानी बड़ा आ और बड़ी ई मिलके क्रमशः ए स्वर बनाएंगे, तो यहाँ पे शब्द है राकेश, इसको हमने संधि विक्षेप किया तो शब्द प्राप्त हुआ राका प्लस इश, तो राका में का पे बड़ा आ है प्लस इश में बड़ी ई है, तो इससे बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर ए ही बनेगा। तो ये है गुण संधि का पहला नियम। और यहाँ पे दूसरा जो रूल है उसमें छोटा अ प्लस छोटा उ, छोटा अ प्लस बड़ा उ, बड़ा आ प्लस छोटा उ और बड़ा आ प्लस बड़ा उ, ये सभी स्वर आपस में मिलकर के ओ ही बनाएंगे। तो इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, परोपकार, परोपकार का हमने विक्षेप किया तो शब्द प्राप्त हुआ पर प्लस उपकार, तो पर के र में छोटा अ है प्लस उपकार में छोटा उ है, इस तरह से अ और उ मिलके आपस में ओ हो गया, तो शब्द बना परोपकार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जलोर्मी, जलोर्मी को विक्षेप करने पर जल प्लस उर्मी ये शब्द प्राप्त हुए, तो जल के ला में छोटा आ और उर्मी में बड़ा उ, तो इस तरह से आ और बड़ा उ मिलके ओ हो गया, तो शब्द बना जलोर्मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है महोदय, महोदय शब्द का विक्षेप करने पर महा प्लस उदय ये शब्द प्राप्त हुए, तो महा में हा पे आ की मात्रा और उदय में छोटा उ, इस तरह से आ प्लस उ मिलकर के ओ हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिवोष्मा, दिवोष्मा का विक्षेप करने पर दिवा प्लस उष्मा ये शब्द प्राप्त हुए, तो दिवा के व में आ यानी बड़ा आ और उष्मा में बड़ा उ, इस तरह से आ प्लस बड़ा उ मिलकर के ओ हो गया। तो ये है एग्जाम्पल के साथ नियम। अब नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल और नियम है, इसमें तीसरा रूल है गुण संधि का, अ छोटे अ के बाद री आए या बड़े अ के बाद री आए, इन दोनों दशाओं में अर होगा। एग्जाम्पल है देवर्षि, देवर्षि का विक्षित करने पर शब्द प्राप्त हुआ देव प्लस ऋषि, तो देव के व में छोटा अ है और ऋषि में री है, तो इस तरह से अ और री मिलके अर हो गया, यानी देवर्षि शब्द बनेगा। और दूसरा एग्जाम्पल महर्षि है, तो महर्षि को विक्षित करने पर महा प्लस ऋषि शब्द प्राप्त हुए, तो महा के हा में आ की मात्रा यानी बड़ा आ है और ऋषि में री, तो इस तरह आ और री मिलके अर हो गया, ऐसे शब्द बना महर्षि। तो इस तरह से दिन मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको गुण संधि बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।